नमस्कार। कैथल में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर मखण गांव का एक निवासी जो सैनिक है छुट्टी पर आया हुआ था, इस बीच मखण गांव से शहर की तरफ जा रहा था अपने किसी निजी काम को लेकर, जिसको लेकर उसका बीच रास्ते में ही जींद रोड बाईपास पे पहुंचते ही एक प्राइवेट बस के साथ कर हो गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आप देख सकते हैं, काफ़ी जो दर्दनाक और हादसा इतना गंभीर है कि आप मौके पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं और जो पीछे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, साथ में एक महिला उनके लेफ्ट सीट पर बैठी हुई थी, वो भी काफ़ी गंभीर हालत में है और उसको अभी कैथल के समान्या हॉस्पिटल से सिकनेस हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो गाड़ी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है और जो टक्कर इतनी गंभीर थी कि गाड़ी तहस नहस हो चुकी है। इस बीच आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, गाड़ी नंबर मैं आपको बता दूं, HR11L2251, यानी कैथल हरियाणा की गाड़ी इको जो मारुति सुजुकी की गाड़ी आती है और तेज़ रफ्तार बस से टकरा जाती है, जिस बीच गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और ड्राइवर साइड से गाड़ी इतनी क्षतिग्रस्त हो जाती है कि जो मौके पर ड्राइवर थे, जो सैनिक थे, वो मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। काफ़ी दुखद घटनाएँ सामने आई है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो ड्राइवर सीट है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और आगे का जो गाड़ी का हिस्सा है वो सीधा ड्राइवर के ऊपर आन पड़ा, जिस प्रकार मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो चुकी है। घटना के बारे में परिजनों से बातचीत कर लेते हैं, घटना किस समय की है और क्या कुछ उस समय हुआ था। हेड कांस्टेबल हरियाणा पुलिस में पुलिस लाइन में तैनात हूँ। ये जो गुरमीत सिंह, ये मेरी बुआ के लड़के हैं गांव मखंड से, ये मेरे से मिलने के लिए आ रहे थे और रास्ते में इन्होंने एक गांव की कोई लेडीज मिली जो या वो भी अपने किसी काम से यहाँ आने लग रही थी, उन्होंने साथ में इसको पिकअप कर लिया। जब ये तितर मोड़ से आगे प्योदा रोड पर आए, जो शहर की तरफ है, यहाँ प्राइवेट बस से इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे बुआ के लड़के की डेथ हो गई और जो उनके साथ लेडीज़ थी वो घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। ये आर्मी में थे जी और इसमें इनकी ड्यूटी गुवाहाटी थी। और समय की घटना है ये जी, कितने बजे घटना है? 12:30 की है, ठीक है जी। और अभी छुट्टी पाए हुए थे, कल जाना था जी, इनको कल वापसी ड्यूटी पर जाना था जी। तो परिवार में कौन कौन लोग हैं जी? परिवार में उनकी मिसिज है जी, एक गुड़िया है जी और एक छोटा भाई है जी।